हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए साइंस रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये काफ़ी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस तरह के आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग अगर देखोगे इस क्वेश्चन को तो ज़रूर आप लोग को लगेगा कि हाँ, ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए स्पेशल है और बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पे पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो मिलाओगे तो बन रहेगा दोस्तों। इस वीडियो के साथ मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा, चाहे आप साइंस या मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितने भी आप लोग को चैप्टर है दोस्तों, हर एक टॉपिक से मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ आप सभी छात्रों के लिए। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग में अगर सब्सक्राइब बटन है तो दबा दीजिए दोस्तों। दबाने के साथ एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है दोस्तों, वो आप लोग को बताना है। तो वो होता है दोस्तों आपका 3। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे मॉडल सेट उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज के साथ उपलब्ध है, तो जाके डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप लोगों को दे दिया है। तो 28 का जो ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है, तो O3 होता है। तो राइट आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा, 3। 29 है दोस्तों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग की बात हो रहा है दोस्तों, तो आवर्तों की सारणी, आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होता है आपका यहाँ पर 7, और वर्ग की बात करें तो 18 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 29 का सी। 30 नंबर देखते हैं कि हीलियम जो है कैसा एलिमेंट है। हीलियम जो है कैसा गैस है, कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, ठीक है। HE, देखिए एक ट्रिक ही बता देता हूँ यहाँ पे अक्रिय गैस पहचानने का। तो HENEKR, ठीक है। हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब जो है आप लोग को 6 गैस है टोटल हीलियम, ये अक्रिय गैस, ठीक है, जिसमें रेडॉन भी आता है, जो आप लोग को वो रेडॉन गैस जो है धरती के अंदर पाया जाता है, और 5 गैस जो है जो आपको धरती पर मिलता है भूमि पर, और एक गैस है रेडॉन जो धरती के अंदर मिलता है। 30 का से उत्तर आपका ए हो जाएगा, हीलियम कैसा तत्व है तो अक्रिय। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर की ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों एक तरह से यहाँ पे बताए तो वो एक तरह से हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। 31 का सी हो जाएगा। 32 है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क जो है संबंधित है कहाँ से। तो मनुष्य में अपना लोग किडनी जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों आपका उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से, ठीक है, किडनी ब्रिक। 33 है कि मानव में डायलिसिस थैली जो होता है वो क्या है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली जो है दोस्तों क्या है, तो मानव में अगर डायलिसिस थैली अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोग को, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। तो सही उत्तर यहाँ पर 33 का ए हो जाएगा। 34 है दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं अगर पच जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो इसमें अभिक्रिया होता है दोस्तों उपचयन का। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर दोस्तों बोला जा रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 12 वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए, दोनों में पूछा जाता है दोस्तों। हर साल ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा में रहता ही रहता है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है दोस्तों वो ईस्ट में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 35 का आपका बी हो जाएगा, ईस्ट में। 36 है दोस्तों कि फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है। तो फूलों में अगर नर प्रजनन अंग की बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपका दोस्तों पुंकेसर, याद रखिएगा। 36 का ये हो जाएगा पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। 37 है कि गुणसूत्र बने होते हैं किसके। तो गुणसूत्र जो बने होते हैं दोस्तों आपको 37 का बताना है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन्स एवं RNA के। तो सही उत्तर यहाँ पर 37 का ये हो जाएगा, DNA तथा प्रोटीन्स व RNA के। 38 है दोस्तों कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों वो क्या है, तो वो आप लोग को बताना है यहाँ पे। 38 का बिल्कुल राइट आंसर DNA हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ DNA। 38 का ये सभी क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के हैं, प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे, चैनल पर जरूर बने रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थर्टी नाइन नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। तो यहाँ पे स्थलीय बोला जा रहा है ना कि स्थलीय परितंत्र नहीं है।
घास के मैदान कहाँ रहता है, स्थल पे ही रहता है। जंगल भी जो है आपको स्थल पर ही रहता है, मरुस्थल भी जो है स्थल पर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्वेरियम जो है दोस्तों ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे 39 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 40 है दोस्तों कि CFC क्या है, CFC का फुल फॉर्म बोला जा रहा है, तो CFC का क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है, न कि कार्बन फ्लोरो कार्बन, ये होता है CFC का क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो 40 का सही उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, CFC का फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। 41 है कि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है दोस्तों प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो उस परिघटना का नाम है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन। टिंडल प्रभाव जो है कौन सी प्रकाश की घटना को यहाँ पे प्रदर्शित करता है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा। 42 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे CH4, C2HO4, C2H6, इनमें से सभी इस ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CnH2n, न कि H2n+2 या फिर H2n-2, ये होता है C2H4, डायरेक्ट CnH2n। ये सभी जितने भी आपको कंपाउंड मिलेंगे ये आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड मिलेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे 42 का सी हो जाएगा। 43 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोक, इनमें से सभी। तो 43 का आपको डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए 44 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का जानते होंगे दोस्तों एक ही जीव जो है यहाँ पे दूसरे पर डिपेंड, दूसरा जो है तीसरे पर डिपेंड, तीसरा जो चौथा पर डिपेंड, इस तरह से। तो यहाँ पे जो देख लीजिए दोस्तों आप लोग को घास, बकरी तथा मानव, ये जो है आप लोग को देखिए देखने से लग रहा है कि ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास को बकरी खा जाएगा, बकरी को मानव जो है खा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, मछली तथा बकरी, ये हो ही नहीं सकता। मछली को घास तो पहले मछली खाता नहीं है, मछली खाता नहीं है बकरी, तो ये होगा ही नहीं। घास, गेहूं तथा आम, ये भी नहीं होगा। बकरी, गाय तथा हाथी, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का आपका बी ही बचता है, घास, बकरी तथा मानव, ये आहार श्रृंखला का पूर्ण निर्माण कर रहा है। चलिए 45 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पे मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में अगर कोष्ठों की संख्या बोला जाए दोस्तों तो ये आपको बताना है यहाँ पे, तो 4 होता है चैम्बर, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का आपका सी हो जाएगा, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। 46 है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो ह्रास कहलाता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी। 47 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले दिया था दोस्तों, मोसले नामक वैज्ञानिक ने, पहले तो दिया था प्राचीन मेंडलीव ने, लेकिन आधुनिक जो दिया है वो दिया है मोसले ने 1913 में, ठीक है। तो उस समूहों की संख्या है 18, ठीक है। आवर्तों की संख्या 7 है, लेकिन समूहों की संख्या, ग्रुपों की संख्या 18 है। तो याद रखिएगा 47 का डी। चलिए 48 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है, क्योंकि क्यों लगा होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन के अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो टीन जो होता है दोस्तों आपका वो जिंक के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए आपको यहाँ पे टीन का लेप चढ़ाया जाता है ताकि उस पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल सेट को डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके PDF को, काफ़ी सारे PDF उसमें आप लोग को मिल जाएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉडल सेट को जरूर डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से।
दोस्तों क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व के मैथ्स के साथ साथ अब अलेवंथ और ट्वेल्थ के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए डॉट नेट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे